जकार्ता अनुष्ठित एशियान सम्मेलन में जोगदे प्रधानमंत्री मोदी को गस्त सामरिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण देशगुड़िक सहित भारत भागीदारी भविष्य रूपरेख उपर आलोचना प्रधानमंत्री कहते विकास केन्द्रस्थल एशियान भारत एवं एशियान मध्य संपर्क द्रुत गति में बढ़ुच्च एकविंश शताब्दी एशियार एवं विकास नुआ संकल्प ने प्रधानमंत्री आह्वान देते एशियान सह भारत एक्ट ईस्ट नीतिर एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ सबु क्षेत्र में एकाठी हो काम करने उचित बैठक पर प्रधानमंत्री दिल्ली फेरी आसबे कारण सेप्टेम्बर 9 और 10 में भारत G20 सम्मेलन आयोजन करुछि पूर्व जकार्ता पहुंचा पर प्रवासी भारतीय माने मोदी को स्वागत करते प्रधानमंत्री लोकों सह हाथ मिलाइले इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है योर मैजेस्टी एक्सलेंसीज 21वीं सदी एशिया की सदी है हम सबकी सदी है ये आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है G20 नेता को स्वागत पाई तैयार राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट जातीय राजधानी माटी आकाश सब् गलिकंदी को नजर रखिबो कैमेरा एथर भारत करुछि G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता से समग्र दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी प्रति कोण अनुकोण में सुरक्षाकर्मी मुतयन होती विभिन्न देश आसुवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होटेल कार्यक्रम सबुठी सुरक्षा कड़ाकड़ी सुरक्षा एजेन्सी सहित सेयार कर समस्त तथ्य को आमेरिकार सीआईए ब्रिटेन MI6 चीन एमएसएस टीम को पठाई देशर टप होटेलगुड़िक सुरक्षा को नहीं कौन प्रकार सालिस कर G20 समस्त प्रस्तुति चूड़ा पर्यायर देशवासी भितर उत्साह भारत G20 आयोजन करवासी गर्वर विषय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूषिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन आसुना एने पूर्व स्पष्ट हो सारी स्थान में उभय देश नेता कार्यक्रम में सामिल हे आज भारत में पहुंचे आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन बिडेन रिपोर्ट से आसुंच वर्तमान G20 सम्मेलन को विनीत कुमार अधिक अपडेट देवा मो सहित अच्छा दिल्ली प्रतिनिधि विनीत G20 और 9 और 10 तारीख को लेके दिल्ली के ऊपर पूरा विश्व का नजर है इसको देखेंगे तो कैसे तैयारी है जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 को लेकर के काफी भव्य तैयारी जो है वो की गई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विशेष तौर पर एक जो दिल्ली का प्रगति मैदान है वहां पर एक विशेष मंडपम बनाया गया भारत मंडपम बनाया गया है जो और यहीं पर जो है मुख्य आयोजन जो होगा G20 को लेकर के यहीं पर मुख्य आयोजन होगा इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सुरक्षा के व्यवस्था के बारे में बात करें तो 8 से लेकर 10 तक नई दिल्ली के जो क्षेत्र है वहां पर कड़ी सुरक्षा बना दी गई है और यहां पर सिर्फ पास धारक जो होंगे जिनके पास स्पेशल पास होगा वही आ जा सकेंगे हालांकि दिल्ली के अन्य भागों में जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन है वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे सिर्फ जो नई दिल्ली का क्षेत्र आता है वहां पर यह रिस्ट्रिक्शन रहेंगे इसके साथ ही साथ मैं आपको
बताना चाहूंगा कि जो एयरपोर्ट हो या फिर या रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहां से एक जो सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर इन क्षेत्रों को पहुंचना हो तो जो दिल्ली मेट्रो है उसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अन्य चीजें हैं, अगर मैं रुकने की व्यवस्था है तो जो सारे फाइव स्टार होटल्स हैं वहां पर मैं जो देश के विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मैं रुकेंगे, उनके लिए विशेष इंतजाम जो है वो किया गया है। भारत को पूरी तरह से सजा दिया गया है, जो भारत के जो विभिन्न हिस्सों के जो खान पान है या फिर कला संस्कृति है उनका भी प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। मैं आपको हमें जो जानकारी मिली है और हमने भी अपने दर्शकों को लगातार यह बताया है कि जो विभिन्न में जो फाइव स्टार होटल हो या फिर विभिन्न में जो केंद्र हो उनकी तैयारी जो है वो इस तरह से की गई है कि जो पूरी तरह से भारत को प्रदर्शन दिखाए, जो विभिन्न क्षेत्रों की बारे में बात करें, अगर हम बात करें कि उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो वहां के भी कला संस्कृति को विभिन्न जगहों पर चित्रित किया गया है, चाहे वो संबलपुरी संस्कृति हो या फिर वे कुछ और भी संस्कृति हो उनको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश जो है वो यहां पर की गई है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके जो साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स रहेंगे या फिर हम कह सकते हैं उनकी पत्नियां रहेंगी, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। अभी हमें जानकारी मिली है कि उनके लिए मिलेट्स को लेकर किया जाएगा, पूसा में मिलेट्स की एक खास व्यवस्था की गई है, वहां पर उन्हें पनपाया गया है ताकि उसका बेहतर तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा सके और साथ ही साथ यह बताया जा सके कि भारतीय संस्कृति में कितना मिलेट्स का योगदान रहा और मिलेट्स के क्या फायदे हैं। तो साफ तौर पर जो ब्रांड इंडिया के बारे में बात की जा रही है, पूरी तरह से ब्रांड इंडिया को प्रदर्शित करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ दिन पहले हमारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात हो रही थी, वो उड़ीसा से ही आते हैं, उनका साफ तौर पर मैं कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो मैं इसकी भव्यता को इतना वो बड़ा कर देंगे कि अन्य देशों के लिए भी यह एक मिसाल बन जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि कल ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सुनक, उन्होंने जब पीटीआई से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो भारत में की जो परंपरा है उसको देख करके वो काफी एक्साइटेड है। और इसके साथ ही साथ जो अन्य लोगों से भी जो बात हुई है, राष्ट्राध्यक्षों से भी जो विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से हुई है, वो भी वे काफी उत्साहित है भारत आने को, भारत को संस्कृति को देखने को। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है से अधिक भारत का, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंडपम बना है जहां पर जो मुख्य कन्वेंशन सेंटर है वहां पर भी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। जो अगर हम मुख्य हॉल के बारे में बात करें, जहां पर मंडपम के मुख्य हॉल में अगर हम कालीनों के बारे में बात करें तो कालीन को भी देश में दो जगहों से कालीन बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कालीन का प्रयोग किया गया है। तो साफ तौर पर जो ब्रांड इंडिया के बारे में बात हो रही है या फिर ब्रांड भारतीय संस्कृति को, भारतीय प्रोडक्ट्स को, परंपरा को आगे प्रदर्शन करने की बात हो रही है, तो उसका जो साफ व्यवस्था जो है, पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो यहां पर में किया गया है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर जो दिल्ली की विभिन्न सड़कें हैं या फिर जो मुख्य स्थल है वहां पर भी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति परंपरा को दिखाने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो की गई है। जी जी विनीत, तो जैसा आप बता रहे हैं कि एक नए तरीके से दिल्ली को सजाया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत तेज किया गया है, और इस बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं, उसको लेके क्या तैयारी देख रहे हैं? जी निश्चित तौर पर उसको लेकर के काफी तैयारी में जो है वो की गई है। जो यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, अब आईटीसी मेमोरिया में उनके ठहरने की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो अब अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो उन्हें रिसीव करेंगे। बताया जा रहा है कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडोनेशिया के दौरे पर है, जकार्ता के दौरे पर है, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत पहुंच जाएंगे और उनकी मेजबानी जो है वो पूरी तरह से करेंगे। एक और
मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के हूँ या फिर मैं चूंकि विभिन्न देशों के G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, साथ ही साथ वे कुछ और वे अन्य वे जो वे एक्सटेंडेड मीटिंग के लिए जो वे इनवाइटी हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी काफी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी चौकन्नी में की गई है और जो पूरे नई दिल्ली में क्षेत्र जहां पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा इसके साथ ही साथ ये वही क्षेत्र है जहां पर विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो यहां पर रहेंगे, तो उसको लेकर के भी पूरी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है एक तरह से। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगा है लेकिन अभेद्य सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के लिए जहां पर हमने देखा कि जहां पर जो विभिन्न डिग्निटरीज जहां पर ठहरे थे वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, वहां पर इमरजेंसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ एक ड्रिल भी किया गया था जिससे आपात स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा कर्मियों को उतारा जा सकता है या फिर हेलीकॉप्टर से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है, इसका भी ड्रिल जो है वो हमने देखा था। तो साफ तौर पर G20 को लेकर के चूंकि काफी हाई प्रोफाइल जो समिट है वो G20 है और इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग आएंगे तो उसको लेकर के पूरी जो तैयारी की गई है वो बहुत ही बड़ी की गई है और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी विनय, जैसा आप बोल रहे हैं कि तमाम इंतजाम किया गया है G20 को लेकर, आगे भी लगातार हम इस खबर को लेकर जुड़े रहेंगे और ज्यादा अपडेट देंगे दर्शकों को। अभी के लिए आपको धन्यवाद।